अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई कौन सी मूवीज़ आजकल ज़्यादा फेमस हो रही हैं, ज़्यादा पैसे कमा रही हैं, तो मेरे हिसाब से ज़्यादातर लोगों का भाई एक ही आंसर होगा मास एक्शन। यही जैनर देखना लोग आजकल पसंद कर रहे हैं, चाहे KGF हो, पठान हो, बाहुबली हो, RRR हो, सब इसी जैनर में से थी। लेकिन इसी के बीच में रणबीर कपूर लेके आए हैं अपनी एक रोम कॉम माने रोमांटिक कॉमेडी। भाई इस जैनर में उनका पास्ट भी वैसे काफ़ी अच्छा रहा है, चाहे ये जवानी है दीवानी ले लो, ऐसे करेक्टर्स उनको सूट भी करते हैं और भाई उनकी मूवीज़ अच्छा पैसा भी कमाती हैं। तो वैसी ही मूवीज़ तू झूठी मैं मक्कार वो लेके आए हैं और उन्होंने ये प्रूफ भी किया है कि भाई इस जैनर में उनका हाथ तो सही है। तो फर्स्ट डे पे उनकी मूवी ने कमाया है 15.73 करोड़, जो कि काफ़ी अच्छा मार्क है, क्योंकि देखो इस मूवी का जो बजट है वो 60-70 करोड़ के आसपास है। और ये वीकेंड एक्सटेंडेड है क्योंकि आज थर्सडे है, फ्राइडे सैटरडे संडे बीच में हॉलीडेज भी आएंगी, तो शायद हो सकता है कि ये मूवी अपने बजट को इस वीकेंड तक ही पार कर जाए, जो कि काफ़ी बड़ी बात होगी, क्योंकि भाई एक्शन 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 से हट के भी कुछ आया है और लोग उसको देखना चाहते हैं। इससे भाई मूवीज़ भी हमें डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिल सकती हैं। तो देखते हैं क्या रणबीर कपूर की ये रोमांटिक कॉमेडी फिर से उनके लिए कुछ अच्छे दिन लेके आएगी और उनकी हिट मूवीज़ में ऐड हो जाएगी। इस मूवी को ज़्यादा कंपटीशन तब मिलेगा जब भाई 17 मार्च को शजाम, कब्जा, ज़्वी गेटो ये रिलीज़ होंगी और भाई जनता उनको देखने भी जाएगी। तब तक ये मूवी भाई अपना बोलते हैं ना कि बजट को पार कर जाए तो बहुत अच्छी बात है, और हिट प्रूव हो जाए तो भाई सारा क्रू खुश तो हो ही जाएगा। आपको वीडियो में कुछ भी पसंद आया, ऐसी ही अपडेट्स रिव्यूज़ के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक और शेयर करो वीडियो को। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में। दिस इज़ रूपम शर्मा साइनिंग ऑफ। जय भोले।